देखो मेरा सूखा दूध की बर्फी हलवाई के जैसे कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी है, मस्त लग रही है देखने में, खाने में तो पूछो मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेखा पाठक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूखा दूध की बर्फी, बिल्कुल एकदम हलवाई के जैसे। उसके लिए ये सूखा दूध ली हूँ, ये पनीर है, ये पिस्ता है बारीक काट के ली हूँ, एक चम्मच ये घी है, इलायची पाउडर है, ये चीनी है, ये दूध है। सबसे पहले मैं पनीर को घस लूंगी। देखो इस प्रकार मैं घस ली हूं, इसी प्रकार मैं सारे पनीर को घस लूंगी। ये देखो मैं सारे घस ली हूँ। अब मैं इसको नापूंगी एक कटोरी से, जिस कटोरी से मैं दूध ली हूँ, चीनी ली हूँ, वही कटोरी से पनीर नापूंगी। यह देखो एक कटोरी मेरा ये पनीर है, तो एक कटोरी ही मैं सूखा दूध ली हूँ। अब एक कढ़ाही ली हूँ, एक कढ़ाही में पनीर डाल देती हूँ, ये सूखा दूध है ये भी डाल देती हूँ, ये दूध है ये दूध भी डाल देती हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिलाऊंगी। देखो मैं इसको मिला रही हूँ, लेकिन अभी और मिलाऊंगी। अभी मैं इसमें घी डाल देती हूँ। अब घी को भी इसी में मिलाऊंगी। देखो मैं अच्छे से मिला दी हूँ। अब मैं इसको गैस पर चढ़ाऊंगी। गैस में जला दी हूँ, गैस पर एक कढ़ाई रख दी हूँ। अब धीमी गैस में मैं इसको पकाऊंगी। इसी प्रकार मैं इसको चलाते रहूंगी। यह देखो मेरा पनीर और दूध बिल्कुल गाढ़ा हो गई है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, ये इलायची पाउडर है ये भी डाल देती हूँ। फिर से मैं इसको चलाते ही रहूंगी। देखो इलायची पाउडर और चीनी ये दोनों मैं डाली थी और अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसको भी मैं थोड़ी देर तक पकाऊंगी। देखो बिल्कुल बर्फी जमाने लायक हो गया है। अब मैं गैस को बंद करूंगी, फिर भी मैं इसको चलाते रहूंगी थोड़ी देर तक। अब देखो थोड़ी देर हो गई है। अब मैं इसको एक बर्तन ली हूँ, इसमें मैं नीचे घी लगा दी हूँ, ऊपर से बटर पेपर दी हूँ, बटर पेपर में भी मैं घी लगाई हूँ। अब इसी में मैं जमाऊंगी। अब इसको मैं इसी बर्तन में निकाल देती हूँ। यह देखो मैं सारे इसी में निकाल ली हूँ। अब मैं इसको चिकना करूंगी। एक चम्मच ली हूँ, चम्मच के पीछे में मैं घी लगा दी हूँ। अब इसको मैं चिकना करूंगी। यह देखो चिकना कर दी हूँ। अब मैं इसमें पिस्ता डाल दूंगी कि देखने में सुंदर लगे। पिस्ता डाल दी हूँ। अब मैं इसको भी दबा दूंगी इसी में, अच्छे से सेट हो जाएगी। देखो अच्छे से मैं दबा दी हूँ। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए
छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, फिर मैं बर्फी काटूंगी। यह देखो आधा घंटा हो गया है और ठंडा भी हो गया है, अब मैं इसको काटूंगी। पहले मैं ये चाकू से किनारी इसको छोड़ा दूंगी। अब ये जो प्लेट है, प्लेट में मैं इस तरह रखूंगी और इसको मैं ऐसे पलट दूंगी। अब मैं फिर से ये थाली को मैं ऐसे रखूंगी, इसको पलट दूंगी। अब मैं इसको काटती हूं। अब मैं इसको काट ली हूं, अब मैं दूसरे प्लेट में रखूंगी। देखो मैं काट के प्लेट में रख ली हूं। अब मैं इसमें एक फूल लगा देती हूं कि देखने में सुंदर और लगे। देखो मेरा सूखा दूध की बर्फी हलवाई के जैसे कितनी सुंदर बनी है, कितनी अच्छी है, मस्त लग रही है देखने में। खाने में तो पूछो मत। अगर आपको सूखा दूध की बर्फी हलवाई जैसे अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों से शेयर करने नहीं भूलना, कमेंट जरूर से जरूर करना।